नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ नारायण कुमार। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। बांका के बेलहर विधानसभा उपचुनाव में जदयू व राजद के बीच कांटे की टक्कर के बीच 19,246 वोटों से राजद ने अपना जीत हासिल किए। बम्बम यादव, विशाल यादव, जुब्बन अंसारी, जफरुल हौदा, नीतीश वीरेंद्र आदि सैकड़ों राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। विशाल यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार सरकार ने बेरोजगारी व अफसरशाही को बढ़ावा देने का काम किया है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता ने खुशी जाहिर करते हुए तेजस्वी यादव जिंदाबाद, रामदेव यादव जिंदाबाद के नारे लगाए एवं रामदेव यादव को माला पहनाकर अभिवादन किए। एमएम न्यूज़ टीम बांका। जो चुनाव जो अभी तक का रुझान है, इससे साफ पता चलता है नीतीश कुमार की जो 15 साल की जो सरकार थी, इसको लेके जनता में भारी आक्रोश का माहौल व्याप्त है। 15 साल के राज में नीतीश कुमार जी ने ना ही युवाओं का कोई रोजगार देने का काम किया है। भ्रष्टाचार आप देखेंगे, बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। थाना हो या ब्लॉक हो, भ्रष्टाचार का मामला चरम सीमा पे है। कोई भी बिना काम पैरवी का, बिना घूस का कोई भी काम गरीब जनता का नहीं हो रहा था। और अफसरशाही इस तरह का हावी है, कोई भी गरीब जनता का सुनने वाला नहीं। भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, ये सब दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा था। नीतीश कुमार की सरकार जो है वो 15 सालों में हर मोर्चे पे विफल होने का काम किया है। जनता ने ये मैंडेट जो दिया है, इसे साफ साबित होता है नीतीश कुमार जी को पूरी तरीके से बिहार की जनता ने नकार दिया है। और आने वाला समय जो है वो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे विश्वास जताया है बिहार की जनता ने, और ये पूर्ण विश्वास है 2020 की जनता पूर्ण बहुमत से बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी। ताली बजाइए और जिंदाबाद।